पूर्वी सिंहभूम जिला की तकरीबन 2.5 लाख आबादी को पिछले कई दशकों से शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा। जमशेदपुर शहर से सटे इलाकों में रहने वाले लोग मीलों की दूरी तय कर जुस्को के पेयजल पर आश्रित रहना पड़ता है। टाटा मोटर्स की दीवार से सटे इस एक नल पर लोगों की कतार खत्म ही नहीं होती। हम लोग पानी लेने बहुत दूर से आते हैं कि गाड़ी का पेट्रोल जलाते हैं, बहुत धूप बारिश जो भी हो यहाँ लोग खड़ा होकर खून पसीना से बहुत मेहनत करके पानी लेते हैं। पानी यहाँ 24 घंटा चलता है, पब्लिक लोग 24 घंटा लेके ही जाता है। लेके ही जाता है, कैसे लेके जाते हैं उतना दूर दूर? साइकिल में, गाड़ी में, टेम्पो में, हर चीज में लेके जाते हैं। वहीं स्थानीयों का कहना है कि जनप्रतिनिधि और सीएम से पानी की कमी को दूर करने के लिए गुहार भी लगाई लेकिन कोई मदद नहीं मिली। बोले थे कि हम लफार्ज से लेंगे पानी, लेकिन उसके बाद से फिर इस पे कुछ अभी तक नहीं बने। तो कैसे चल रहा है, कंपनी के भरोसे? हाँ, तो वही वाला वो है, नल है, सब नल है, तो सब नल का तो पानी तो पीला पीला है, पीने वाला तो इसका पानी के लिए होता। गौरतलब है कि जमशेदपुर शहर में शुद्ध पानी की किल्लत नहीं, बावजूद इसके आसपास के इलाकों में रहने वालों को 1.5 दशक से शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।